ढंग से करना बे, कैसे कर रही है? कपड़े से साफ करने नहीं आते, मुंह से साफ कर। ये क्या बदतमीजी है, मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ मैं? यहाँ पे मुझे आज के बाद मिलनी नहीं चाहिए। और हाँ, गुलाबी सामी। अबे ओ सामी। हाँ भी बोल। क्या बोली बे? क्या बोली बे? तू? हाँ बोल। तू वो नहीं है बे जो सुबह थी। हाँ बे, मैं वो नहीं हूँ बे जो सुबह थी। ये बात तो तूने सही बोला बे। तू उसकी अम्मा है या सौतन है? इससे तेरे को क्या लेना देना, मैं कोई भी हूँ। बता, यंग लग रही है, उसकी सौतन होगी। हाँ अभी तू यहाँ पे क्यों बैठी है? वो मर गई क्या? मैंने मरी नहीं है, उसको मैंने भेज। एक सौतन को दूसरी सौतन के बारे में इतनी मिट्टी लगी, क्या हुआ, मजा आया या और दूं? वैसे मैंने उसको ना कम मारा था, मेरे बस में होता ना गला दबा के मार देती यहीं पे। अबे ओ, यहाँ पे दुकान लगाने की परमिशन किसने दी है तुझे? अच्छा, दुकान लगाई है बे तो परमिशन नहीं लेगी? हफ्ता ना भरना पड़े इसलिए तुम लोग परमिशन नहीं लेते हो? कितने दिन से लगा रखी है दुकान? कल से लगा। झूठ बोलेगी? वो तो मैं आके सीसीटीवी कैमरे में देख लूंगी कब से लगा रखी है। और हाँ, ले जूते साफ कर। ढंग से करना बे, कैसे कर रही है? कपड़े से साफ करने नहीं आते, मुंह से साफ कर। ये क्या बदतमीजी है, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? बदतमीजी तुम्हें क्या नहीं है? देखते हैं साफ क्या क्या करती हूँ मैं। मारा नहीं है मैंने, अभी तो प्यार से समझाया है। मारूंगी इतना ना कि निशान पड़ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? हफ्ता भर दियो, लास्ट टाइम समझा के जा रही हूँ प्यार से। और ये दुकान यहाँ पे मुझे आज के बाद मिलनी नहीं चाहिए। और हाँ, शाम को हफ्ता लेने आऊंगी, पैसे रेडी रखियो, पूरे 10,000 रुपये। अगर 1 रुपये कम हुआ ना तो उसी के जख्म दे के जाऊंगी तुझे। बहन जल्दी से थोड़ा सैंडल साफ करना, मुझे मीटिंग में निकलना है। क्या हो गया बहन, रो क्यों रही हो? क्या हो गया? कुछ नहीं मैम, एक पुलिस वाली मैम आई थी, वो बोल रही थी कब से दुकान लगा रखा, मैंने बोला कल से लगाया, वो बोल रही मुझे हफ्ता चाहिए, 10,000 रुपये देना, मुझे बहुत मारी। बताओ कोई आता नहीं, जब कुछ काम ही नहीं होता कहाँ से 10,000 रुपये उन्हें देंगे? और ये संपत्ति उसके क्या बाप का है जो हफ्ता लेगी? कोई नहीं, आप साइड में बैठो, मैं नहीं पढ़ती हूँ, वो दोबारा आएगी यहाँ पे। जी मैम। कोई नहीं, आप वहाँ जाकर बैठो, ठीक है, मैं देखती हूँ उसको। तो कितनी औकात, पुलिस वाली है, लोगों को मतलब परेशान कर रही है, 10,000 लेगी, सरकारी संपत्ति है, सरकार ने ऑथराइज कर रखा है लोगों को खाने कमाने के लिए, और मैडम को पैसे चाहिए, आज आने दो, आज तो उसका खैर नहीं। चलो मैं अपना सैंडल भी साफ कर लेती हूँ। वो तो मैं पुलिस वाली हूँ इसलिए मैंने थोड़ी ये इज्जत की लिहाज रखी। अच्छा हाँ, ये हाथ है ना, अरे जो एक महीने से ना खुजली हो रहा है मेरे हाथों में, और मैंने ना बहुतों को थप्पड़ मारा नहीं है। क्या है रे? मेरी दांतों में खुजली हो रही थी। अच्छा हाँ, और ये ना सैंडल उठा के ना इतनी सैंडल मारूंगी ना कि शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। अच्छा। और मजे की बात बताओ, तू किसी को ये भी नहीं बता सकती तो मार किससे खाई है। अब तुमने दुनिया को ये तो नहीं बताई कि मोची वाली ने, माम किसी मोची वाली ने तेरे को मोची वाली से फिटी नहीं है, तेरे को तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। छोड़ो रात मेरा दर्द हुआ ना, तकलीफ हुई, मैंने इतने दर्द तकलीफ उसे भी नहीं दी थी जितनी तुझे दूंगी आज। अच्छा, औकात है तेरी? हाँ औकात है, किसी को औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है, 2 कौड़ी की मोची है सिर्फ। अच्छा, तुझे पता नहीं है कि मैं 2 कौड़ी की मोची हूँ या कौन हूँ? और उसकी सौतन, अपनी सौतन को बैठा गई बहन की टपी साली। बोल मत देना, ठीक है ना,
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यहीं पे तेरे को ना गाड़ दूंगी जमीन में। तू जिंदा बच जाएगी? हाँ हाँ, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती चाह के भी। अरे मैं तेरा इतना उखाड़ूंगी ना, आज ना मुंह काला करके थाने खींच के ले जाऊंगी एक पुलिस वाले पे हाथ उठाने के जुर्म में। और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती कि तूने मुझ पे हाथ उठाया है। मैं तो बोल दूंगी ये उल्टे सीधे काम करती है। मैं इसे गिरफ्तार करने गई तो इसने उल्टा मुझ पे हाथ उठाया। मतलब तुझे लगता है कि तू ये बताएगी और सारी बातें लोग मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, पुलिस वाली हूँ। और पुलिस वाली की बात कोई ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता है। सही दादागिरी है, अच्छी दादागिरी दिखा देती हूँ। बहुत ज्यादा तुझे वर्दी का रौब है ना, बहुत ज्यादा घमंड है। बहुत घमंड है और रहेगा भी। कितना घमंड है इस वर्दी से? तुझे पता है मैं कितने कमा लेती हूँ? कितना कमा लेती हूँ? सैलरी तो मेरी फिक्स है, तुझे पता है। हाँ पता है। और ऊपर की कमाई हो जाती है 2-3 लाख रुपए आराम से। तो एस की जिंदगी कट रही है मेरी। ओके, मतलब इस वर्दी का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तू बताने वाली यहाँ की है कौन? मैं कोई भी हूँ। मैं तो बस कंफर्मेशन कर रही हूँ कि कितना कमा लेते हो, इस वर्दी का कितना मिसयूज करते हो। और कुछ बताओ अपने बारे में। आजकल जाहिल गवार अनपढ़ लोग भी मतलब पता करने लगे पुलिस वालों के बारे में। अच्छा, ये दुकान जो लगे हुए हैं इन लोगों से भी लेते हो हफ्ता वसूली वगैरह? जो इनसे क्या, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये मेरे अंडर है। यहाँ का पूरा हफ्ता वसूली ना मैं करती हूँ। मनीषा रावत नाम तो शायद तूने सुना ही होगा। फेमस नाम है। फेमस नाम है। चलिए तो बता, थक थक कांपते हैं। दुकान वालों से लेती है हफ्ता वसूली, वो तो मुझे समझ आता है। ये गरीब मोची है तुम्हारी, क्या बिगाड़ी थी? अच्छा हाँ, उससे याद आया, उसने तेरे को पैसे देने को बताया होगा हफ्ता लेने आई हूँ। नहीं, उसने पैसे के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उसने इतना जरूर बताया। साली सौत, दूसरी सौत को पैसे लेने के बारे में नहीं बताया? नहीं, पैसे दे। उसने बस इतना बताया था कि वो आई थी पुलिस वाली। पैसे दे। अच्छा, तुझे पैसे चाहिए भी? हाँ। अच्छा, पैसे कहाँ है? पागल उससे लिखी पुलिस वाली पैसे कौन डिपार्टमेंट है? कहाँ है पैसे? नहीं है पैसे। पैसे चाहिए मुझे? है ही नहीं। निकाल ली, ढूंढ ले, ढूंढ टके। यहाँ से मर गई, जाके पैसे लीजिए। ना तेरे हाथ पड़ने हैं, ये तो अभी तेरी ना गला दबा के ना राम नाम सत्य कर देती मैं। ये तो मैं बस मजबूर हूँ। तो मैं बताती हूँ, मिले ये मुझे। इतना गुस्सा आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है। तेरा खून ना कर दो उसकी जगह। जैसे लगता है कि मैडम के खुद के पैसे हों। आदत हो गई है घुसखोरी की, घूस लेने की। नशा चढ़ रखा है, जैसे कहते हैं कि वो जो पता नहीं क्या क्या लोग जो पीते वीते हैं उनको नशा चढ़ जाता है। तुझे भी चाहिए? पैसों का नशा चढ़ रखा है। मुझे क्यों चाहिए? मुझे जरूरत ही नहीं है। और तुझे देगा भी कौन? हाँ सही बात है, देगा भी कौन? क्योंकि तुम्हारे से मुझे करप्ट ऑफिसर तो बनना नहीं है। पैसे दे मुझे ना, तेरे लेक्चर नहीं सुनने फालतू मुंह से जो चबड़ चबड़ कर रही है। भाषण तो सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना? कि तूने पंगा लिया है मेरे से, भाषण तो सुनेगी तू। तेरे फूफा का राज चल रहा है यहाँ पे। चल रहा है, और बोल, और कुछ बोलना है? देख, मांग जितनी बात आ रही है ना। प्यार से बोलूं, अगर तू प्यार से पैसे नहीं देगी ना, छोड़ा के तेरे को ना जान से मार दूंगी, समझी? तू छोड़ रही है? नहीं छोड़ूंगी, देख, नहीं छोड़ूंगी। अरे साली तोटकी की पुलिस वाली, हाँ तुझे पता कि मैं कौन हूँ? तू कौन है? यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है? IAS ऑफिसर हूँ, प्रीति सिंह। चल, क्या बोलती बंद हो गई, गूंगी हो गई? कहाँ गई जवान तेरी? एक बीते की जवान से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही थी, करना। तुझे किसने ये पावर दिया था कि वो लड़की को तू परेशान कर? नहीं सॉरी मैम। क्या सॉरी मैम? मैंने उसको परेशान नहीं किया, उसने तेरे को परेशान किया। अरे नहीं, मैंने तो उसे परमिशन दी थी कि ठीक है आपकी दुकान परमिशन दी थी। वो लड़की रो रही थी जब मैं आई थी, तो और तेरी वजह से मेरी मीटिंग खराब हुआ है। तुझे पता ना आज मेरी मीटिंग है यहाँ पे। मैम आपने क्यों मारा? स्कोर गोली दी ना तेरी जवान, सच में मैं कटवा के कुत्तों को खिला दूंगी। मैंने गाली नहीं दी मैम, वो मुझे तो सुनाई दिया ना, मैं तो बहरी हूँ ना, मुझे तो सुनाई दिया ही नहीं है कि तूने क्या बोला। आपसे सुनने में मैंने कुछ नहीं बोला। शराफत की देवी बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तेरे सारे कर्मकांड ना पहले से मेरे सामने आ चुका है, वो तो मैं चुप थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, लोग तो झूठ बोलते हैं, मुझसे ना जलते हैं। अभी क्या बोलती? मनीषा रावत का नाम तो सुना ही होगा। हाँ मतलब ये पढ़ती थी इसलिए लिए ताकि तू घुसखोरी कर सके
लोगों से पैसा ऐड सके इस वर्दी के नाम पे। हाँ बहुत ज्यादा घमंड है ना तेरे को इस वर्दी का। भी चाहिए मैम? मुझे भी चाहिए मैम। तुझे क्या मैं घुसखोर दिख रही हूँ? जब सरकार तनख्वाह देता है तो तू लोगों से पैसे किस बात की लेती है? ऊपर के खर्चे के लिए उतना में पेट नहीं भरता। ठीक है, तुम्हारा सारा काम मैं ना आसान कर देती हूँ। तुम्हें ना इसी टाइम सस्पेंड करती हूँ। यू आर सस्पेंडेड नाउ, गेट लॉस्ट। ठीक है, और थाने में वर्दी सबमिट करवा देना।